सीक्वेंस ऐसा था कि जो विकी है वो देव का सॉफ्टवेयर चुराने की कोशिश में, तो एलिना उस पर शक करती है. तो विकी एक पेन ड्राइव दिखाता है उसको, बोलता है कि अगर तू शक करिए तो मैं तुझे एक पेन ड्राइव दिखाता हूँ, इसमें पूरा सब कुछ है. तो इसको लगता है कि ये विकी पूरा प्लान के बारे में बताएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. उसके अंदर हमारी फैमिली पिक्चर होती है. तो इसको बिलीव थोड़ा बहुत हो जाता है कि ये कुछ गलत नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ ये अपनी फैमिली पिक्चर्स में की कोलाज वलाज ये सभी कर रहा था, कुछ गलत काम नहीं कर रहा कुछ अभी. तो ऐसा सीक्वेंस हो रहा है, ये दिखा रहे ऑडियंस को कि कुछ गलत नहीं कर रहा. प्रोडक्शन चालू है ना? हाँ, क्या वैसे शकियो बीवी वाली, शकियो एक सेकंड, ये पोजीशन देख लेते हैं एक बार, लेफ्ट जाना पड़ेगा. हाँ, मास्टर ट्रैक लेफ्ट लेना है. नहीं उधर जाके बोलेगा सामने आएगा ना. हां ये जो भी कर रहा हूं जो भी सिर्फ तुम्हारे लिए और बोल दासिंग ने तुमने ये बोला था विकी, अब क्या गड़बड़ कर रहे हो? लीना मैं बोल रहा हूं इसमें जो भी है वो सिर्फ तुम्हारे और बोल. अब ये सही है गलत इसका पार्ट तुम नहीं हो, और तुम्हें वो तुम्हें मेरा साथ देना ही पड़ेगा. तुम देखना चाहते हो सच्ची में? हाँ लेकिन ना मुझे इसमें लग रहा है कि कुछ झोल कंपनी का झोल, ठीक है, तो वो बड़ा ही स्केप्टिकल है. देखा विक्की की तरफ, देखा इमोशनली सरप्राइज, पूरा सरप्राइज रखना है. कंटिन्यू सर. मैं एक मिनट, एक चीज, मैं यहाँ पे मैंने देखा, मैं पहले विक्की की तरफ देखूंगी, इमोशनल एक वहाँ पे स्माइल दूंगी, फिर यहाँ पे नहीं, पहले तो यहाँ पे देख के सरप्राइज हो जाए. हाँ उसके बाद विक्की को. कंटिन्यू. हम तीनों की पिक्स, तुम कोलाज, फोटोग्राफर है, सब कुछ तू ही कर सकती है. मैंने सोचा कि सॉफ्ट कॉपी हो सकती है, पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव स्लैश हो सकती है, तो इसका प्रिंट आउट निकाल के फिर एल्बम बना लेंगे, और एल्बम का काम तेरे ऊपर है. ठीक है, सोचा तो मैंने ये था कि तुझे सरप्राइज करूंगा, लेकिन तू मुझ पर इतना शक कर दिया कि बस कुछ. अब देख ले तू तसल्ली होगी तुझे. सॉरी ले लूं? जितना हो सके नहीं उधर वो प्रेरणा दिखे. एलिना आ जाए एक बार, एलिना को भी मार कर थोड़ा दिमाग खुला रखना जी सर. पराठे रोलिंग एक्शन. क्या वो शक की बीवी वाले रोल तुझे सूट नहीं करते? विक्की मुझे तुम पर शक नहीं है, यकीन है कि तुम कुछ तो छुपा रहे हो. क्या यकीन है? तू जानना चाहती है मैं क्या छुपा रहा हूँ तुझसे? लास्ट टाइम जब तुमने ये बोला था तो अब क्या गड़बड़ कर रहे हो विक्की? मैंने कहा है कि जो कुछ भी है तेरे और गोलू के लिए, और ये सही है गलत अब तू भी इसी के पार्ट है, और तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा.
सरप्राइज। ये हम तीनों की पिक्चर, ये फोटो का देखने का नियम शुरू हुआ है सर, विक्की के उठने से लिया एक बार। क्या माइक बेटा रोलिंग, जो भी ऐसे तेरे बोलो के लिए स्लो ट्रैक रखना है, और देख ले कहां लगानी है। बोला था स्लो ट्रैक रोलिंग है, बोला ट्रैक है। हां एक्शन। मैंने कहा इसमें जो भी है वो सिर्फ गोलू और तेरे लिए, चाहे गलत हो या गलत, गलत हो या गलत। मैंने कहा ना इसमें जो भी है वो सिर्फ गोलू और तेरे लिए। मैंने कहा ना इसमें जो भी है वो तेरे लिए और गोलू के लिए। अब इसमें सही है या गलत तू भी इसी का ही पार्ट, और तुझे मेरा साथ देना होगा लीना। तू पक्का देखना चाहती करते रहना ऐसे। एलिना विक्की उठेगा तो विक्की की तरफ ही देखते रहना, कंटिन्यू विक्की, विक्की को देख, एलिना विक्की को ही देखते रहे। अब देखना लैपटॉप की तरफ, फोटो स्टार्ट हुए, स्लो ट्रैक, एक सरप्राइज, छोटी सी स्माइल। अब विक्की की तरफ देखा, हम तीनों की पिक्चर्स, तो कोलाज। तू फोटोग्राफर क्या सब कुछ वही करेगी? मैंने सोचा कि यार सॉफ्ट कॉपी तो है वो उड़ जाएगी, पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव क्या। विकी अपने हेडलाइन में मैंने कहा था ना हमारी फैमिली के लिए, हम तीनों के लिए वो लाइन है। मैंने कहा था ना हमारी फैमिली के लिए। रोलिंग एक्शन। मैंने कहा ये हम तीनों के लिए, अब तू फोटोग्राफर है क्या सब कुछ खुद ही करेगी? मैंने सोचा सॉफ्ट कॉपी जो है वो उड़ जाएगी, पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाएगा, तो इसका एक अच्छा सा प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर इसके बाद इसकी एल्बम बनाएंगे, लेकिन एल्बम का काम सिर्फ तेरा, ठीक है? पेन ड्राइव निकालेंगे। सोचा तो था तुझे सरप्राइज करूंगा मैं, लेकिन तू इतना शक करती है ना मुझ पे, क्या बताऊं? अब देख लिया तूने, हो गई तसल्ली? चलो लेट जाए। फिल्मों में ये हो जाता है कि जितने भी हैं हीरो हीरो पे फोकस होता है और हीरोइन को चांस नहीं मिलता टू शो के उनका टैलेंट और समथिंग लाइक दैट। बट टीवी में ये होता है कि जितनी भी स्टोरी होती है इट रिवॉल्व्स अराउंड अ वुमन, तो जब तक अगर लड़की नहीं होगी तो ड्रामा भी नहीं होगा। इट्स दैट सिंपल। जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आप, वो कैरेक्टर का जो आपका बिहेवियर एस्पेक्ट जो मतलब आपका बिहेवियर और जो रियल लाइफ में आपका कितना डिफरेंस है, कैसे हैं? मैं बोलूँ कुछ नहीं, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब वैसा हूँ नहीं जैसा विक्की है, मतलब बिल्कुल ही अलग है, तो बिल्कुल ही ऑपोजिट। कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसमें क्या आप शोकेस कर रहे हैं और रियल लाइफ कैरेक्टर में? वो बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचता है और पैसा चाहिए उसे, सिर्फ पैसा तो हर किसी को चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए, लेकिन उसका वे गलत है। गलत है, मेरा वे है कि काम करके पैसा कमाना, वो एक गलत चीज़ है, मतलब नॉर्मल जैसा हर किसी की लाइफ होती है। तो विक्की का है उसको शॉर्टकट से पैसा कमाना है, गलत काम, वो भी अपने फैमिली वालों के साथ, तो बिल्कुल ऑपोजिट ही है, मतलब मैं वैसा हूँ। और आपके बारे में कहना चाहेंगे तो मेरा कैरेक्टर एग्जैक्टली सेम है, तो जैसी मैं रियल लाइफ में हूँ मैं वैसी ऑन सेट, और मेरा जो कैरेक्टर है तो कुछ कुछ कभी कभी डायलॉग जो बोलती हूँ मैं, मुझे लगता है जैसे मैं अपनी रियल लाइफ के डायलॉग बोलती हूँ, तो इट्स एग्जैक्टली द सेम। आपके शो का टीआरपी भी काफी अच्छा रहा है, मतलब शुरू हुआ तब से, क्या कहना चाहेंगे? टीआरपी वैल्यू करता है आपके लिए? आपके लिए सब चीज़ कभी सोचते हैं कि हाँ टीआरपी अच्छा हो रहा है तो यू नो शो इज रनिंग गुड, तो यू गेट अ कॉन्फिडेंस आउट ऑफ इट? टीआरपी इफ द शो इज रनिंग गुड देन इट्स गुड फॉर एवरीवन, एक्चुअली नॉट ओनली फॉर अस बट आल्सो फॉर द व्यूअर्स एंड फॉर एवरीवन। टीआरपी मुझे टीआरपी का कुछ पता नहीं है एक्चुअली, आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव कि अगर लोगों को पसंद आ रहा है कोई शो तो वो अच्छा चल रहा है, तो बस खत्म गाने। टीआरपी ये नंबर्स गेम तो आई डोंट बिलीव इन दैट, ये सिर्फ चैनल के बीच में होता है सबके, और उधर ही रहने देना चाहिए, हमें इसको बाहर नहीं लेके आना चाहिए। पर टीआरपी वैसे देखा जाए तो एक चीज है, बट आई डोंट बिलीव इन टीआरपी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? टीआरपी इज इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली, अगर शो रनिंग
है तो ऑब्वियसली PR भी मैटर करती है, दैट्स वाई शो चलता है. बट हमारा शो ऑनलाइन भी लोग बहुत देखते हैं एंड उनका जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है. तो हमें आई थिंक अगर TRP पे हम कॉन्सेंट्रेट करें तो TRP जो जितनी दिखती है उतनी नहीं है, उससे बढ़कर जो हमारा रीच है लोगों पर वो बेटर है. लास्टली पूछूंगा, एज एन एक्टर व्हाट यू फील, व्हाट इज द USP ऑफ द शो जो इतना रनिंग सक्सेसफुली चल रहा है, क्या कंटेंट है या क्या चीज़ है जो आपको ये शो अलग बनाती है? ये शो बहुत रियल है, मतलब इतना रियल है कि आप अगर दूसरे शोज के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना रियल है. जो नॉर्मल लाइफ हर किसी के मतलब लाइफ में होता है वैसे ही बिल्कुल ये शो है. जैसे जो मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई है तो नेगेटिव है तो नेगेटिव तलवार लेके या गोली मारने लग जाएगा, बिल्कुल वैसा नहीं है. तो जैसे नॉर्मल लाइफ में होता है वैसे होता है, बिल्कुल रियलिस्टिक है. आप क्या कहेंगे? जो ये शो है इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं बहुत रियल हैं और एवरीबॉडी कैन रिलेट टू देयर कैरेक्टर्स. तो जब जो कैरेक्टर्स बहुत रियल होते हैं तो जो ऑडियंस होती है वो रिलेट कर सकती है, अरे मैं भी ऐसे करती हूँ, अरे मैं भी. सो दैट्स द USP ऑफ आवर शो. थैंक यू.